हे गाइस, मैं हूँ भारती एंड वेलकम टू माय चैनल भारतीस लाइफस्टाइल विद कुकिंग। तो आज मैं आपके लिए DIY वीडियो लेके आई हूँ, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर बैंगल्स इन इजी वे। तो इसके लिए आपको कोई एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपके घर पे जरूर अवेलेबल होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले आपको इस तरह से प्लास्टिक बॉक्स ख़रीदना है, अगर आपके घर पे हो तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप कोई भी प्लास्टिक दुकान में 30-40 रुपए में ये बॉक्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको प्लास्टिक का बॉक्स लेना है। देन आफ्टर आपको कार्डबोर्ड चाहिए, चार्ट पेपर, जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पिंक कलर लिया है। देन आफ्टर आपको चाहिए फेविकॉल और एक सीज़र। सबसे पहले हमें अगर कार्डबोर्ड थोड़ा सा हार्ड हो तो आप उसमें से दो पार्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड नहीं है तो आपके बच्चों के जो भी वेस्ट बुक्स होंगे उसके ऊपर जो कार्डबोर्ड रहती है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने दो पार्ट किया है कार्डबोर्ड को। अगर आपके पास मेज़रमेंट टेप हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस तरह से साइज़ देख के आप रोल बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से यहाँ पे साइज़ देख रही हूँ। इस तरह से आपको दो कार्डबोर्ड को यूज़ करके रोल करनी है टाइटली। यहाँ पे जिस तरह से मैं रोल कर रही हूँ उसी तरह से आपको रोल करना है। और फिर से एक बार यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा बड़ा लगे तो आप इसे छोटा करके रोल कर दीजिए। तो ये रोल अब हमारा बराबर फिट आ गया है। अब इसको सिक्योर करना है, या तो आप टेप का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ पे फेविकोल का यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे टेप यूज़ करने से ये बेटर रहेगा। तो इस तरह से आपको टेप पूरा रोल करने की ज़रूरत नहीं है, मिडल में और साइड में टेप यूज़ कीजिए तो ये अच्छा से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों साइड टेप का यूज़ करके सिक्योर कर लिया है रोल को। देखिए इस तरह से आपको रोल टाइटली सिक्योर कर लेना है, ये बॉक्स में भी फिट आ गया है। अब हम इस पर चार्ट पेपर स्टिक कर देंगे। आप कोई भी चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने पिंक लिया है। जितना चार्ट पेपर का यूज़ होगा उतना ही आप कट करना है। चार्ट पेपर को कट करके इसके ऊपर स्टिक कर देनी है। देखिए इस तरह से चार्ट पेपर को कट करना है। यहाँ पे मैंने चार्ट पेपर को कट कर लिया है और उसके अंदर रोल को रख के इस तरह से स्टिक कर देनी है। एक्स्ट्रा चार्ट पेपर को कट करके साइड में रख लीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही आप यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पेपर को कट करके यहाँ पे फेविकोल से स्टिक करनी है। इस तरह से फेविकोल को स्टिक करनी है, सिक्योर करनी है ताकि ये फिर से निकले ना। और साइड में भी दो कट इस तरह से लगानी है ताकि ये अंदर की तरफ फोल्ड कर सके, और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिक्योर करनी है। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे आप टेप भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप फेविकोल से भी स्टिक कर सकते हो। दोनों तरफ हमें उसी सेम प्रोसेस करनी है, यहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा के स्टिक कर देना है। आप यहाँ पे टेप का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा रोल जो है रेडी हो गया है। हमें इसी तरह से और दो तीन रोल बनानी है, जितना रोल आपके डब्बे में आएगा उतना आप रोल बना लीजिए।
तो यहाँ पे मेरा मीडियम साइज़ का बॉक्स है, तो यहाँ पे मैंने तीन रोल बना लिया है और तीनों रोल को चार्ट पेपर यूज़ करके मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है। अदरवाइज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हो चार्ट पेपर तो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जो रोल है वो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने दूसरे रोल में भी चार्ट पेपर स्टिक कर दिया है। इस तरह से आपको तीनों रोल जो है स्टिक कर लेना है चार्ट पेपर से। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको जो भी बैंगल्स आपके पास है वो इसके अंदर रोल के अंदर डाल दीजिए इस तरह से। इस तरह से बैंगल्स रोल के अंदर डाल के आप बॉक्स के अंदर रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बैंगल्स रोल के अंदर डाल दिया है और इसे मैं बॉक्स में रख दूँगी। तो देखिए इस तरह से बॉक्स में रखना है और ये कितना सुंदर दिख रहा है बॉक्स। उसी तरह आप दूसरे रोल में भी बैंगल्स डाल के बॉक्स के अंदर रख सकते हो। उसी तरह आपको तीसरे रोल में भी सारे बैंगल्स डाल देनी है और बॉक्स के अंदर रखना है। तो एक मीडियम बॉक्स में ये तीन रोल और आराम से बैठ जाएंगे। तो देखिए ये उधर इधर मिक्स भी नहीं होंगे बैंगल्स और आपको जो चाहिए वो आप इजीली निकाल सकते हो। देखिए इस तरह से आप इजीली रोल को बाहर निकाल के आपको जो बैंगल्स यूज़ करनी है, जो बैंगल्स वेयर करनी है, आप इजीली वेयर कर सकते हो। देखिए आफ्टर दैट आप फिर से वो बैंगल्स को रोल में डाल के बॉक्स के अंदर रख सकते हो। उसी तरह मैंने दूसरे बॉक्स भी रेडी किया है। दूसरे बॉक्स में भी मैंने इस तरह से रोल्स बना के बैंगल्स उसमें डाल के मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। आप जितना चाहे उतना बॉक्स आप बना सकते हो बैंगल्स के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से रोल्स बनाया है और इसके अंदर बैंगल्स को रख दिया है। इस तरह से मैंने दो बॉक्स को ऑर्गेनाइज किया है बैंगल्स से। तो आप जितना चाहे उतना बॉक्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो बैंगल्स के लिए। देखिए कैसा लगा है। आप कहीं जा रहे हो फंक्शन में तो आपको बैंगल्स बॉक्स पूरा ले जाना है, तो आप ट्रैवलिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बैंगल्स टूटने के चांसेस नहीं होंगे क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन भी है, आप ढक्कन जो है क्लोज करके आप ले जा सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के बैंगल्स रखे हैं, यहाँ पे कलर्स के, यहाँ पे सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है। आप भी इस तरह से अपने घर पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसके अलावा दूसरा भी DIY है जो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह का अगर आपके पास हैंगर हो साड़ी हैंगिंग करने वाला, तो आपको जो हैंगिंग करने का होल्डर है उसे थोड़ा सा लूज़ करना होगा, तो इस तरह से ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको बैंगल्स रखने होंगे। जो भी बैंगल्स आपको यूज़ करना है, जो भी ओकेशनली आप यूज़ करते हो, वो बैंगल्स इस हैंगर में डाल के आप हैंग कर सकते हो वार्डरोब में। तो ये वाला आइडिया कैसा लगा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हो इस तरह से बॉक्स ओपन करके। आपको जो भी बैंगल्स यूज़ करना है, कहीं पे जाना है, तो जो भी बैंगल्स आपके साड़ी या फिर ड्रेस मैचिंग के बैंगल्स आप इजीली निकाल के वेयर कर सकते हो। तो मैं दिखाती हूँ। देखिए मैं इजीली इसे निकाल के दिखाती हूँ। आपको पूरा बैंगल्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो बैंगल्स चाहिए वो ईजिली आपको निकाल के इस तरह से निकाल के आप रख सकते हो दोबारा। देखिए मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आप इजीली निकाल, अदरवाइज़ आप इसको पूरा निकाल के भी आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको बैंगल चाहिए वो निकाल के आप वेयर कर सकते हो और दोबारा इसके अंदर इस तरह से डाल के बॉक्स में रख सकते हो।
तो अगर आपको मेरा ये DIY हैक पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट जो है आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।